Hello everybody, good afternoon and welcome to I Love Science. Hope all of you enjoyed yesterday's session. We had a lot of students and teachers also on our session yesterday. Yesterday there were a lot of students from the schools where we do our session regularly. Somerville School, Lotus Valley School, Noida, etc. Because those schools, those students, they regularly use our science kits. But additionally, there were a lot of other students and teachers from many other schools. So those of you who are from other schools and you are joining today, please do write your name, your school name, your city, which class are you, whether you are a student or a teacher. Please write that in the comment section so that we will know who all are joining. So welcome to our show today. Today's topic for our science workshop is Chemistry in My Kitchen. So when children study initially about chemistry, the first thing we study about acids and bases. It may sound a little complicated, but we will try that it becomes very easy. और हम ऐसी activities करेंगे जो कि आप घर पर अपने सामान से कर सकते हैं. अधिकतर सामान जो हम use करेंगे वो आपके घर पर आपके kitchen में होना चाहिए होगा. तो पहले सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एसिडिटी. एसिडिटी या एसिड क्या होता है? आपने कभी कभी सुना होगा अपने घर में कोई कहता है, अरे मेरे पेट में बहुत एसिड बन रहा है, आई हैव लॉट ऑफ एसिडिटी, या खट्टी डकारें आ रही हैं. तो ऐसा क्यों होता है और वो एसिड क्या होता है और हमारे जो केमिस्ट्री लैब में एसिड होता है वो क्या होता है? सो हम सबके पेट में थोड़ा एसिड बनता है. दैट इज नेसेसरी. Our stomach produces acid because that is required to digest the food that we eat. So, agar wo acid nahi banega, then we will not be able to digest the food. But in some people's cases, when that acid is produced too much, then we get the reflex of the food. Khana hamare pet se muh mein aa jata hai thoda sa, aur wo bahut khatta hota hai. To isliye log kehte hain mujhe khatti dakare aa rahi hain. To ye wo acid hai जो हमारे पेट में बनता है एंड इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज वी हैव टू डाइजेस्ट फूड फ्रॉम दैट एसिड. नाउ व्हेन दैट हैपेंस देन व्हाट डू यू डू? आस्क योर मॉम और डैड और समबडी. नॉर्मली चिल्ड्रन डोंट हैव द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी. आपने अपने घर में बड़े लोगों को देखा होगा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक दवाई खाते हैं. वो जेलोसिल हो सकती है, डाइजीन हो सकती है, ऐसी बहुत सारी दवाइयां बाजार में आती हैं. ये दवाई एसिड की अपोजिट प्रॉपर्टी की है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करती है. एसिड के अपोजिट है तो एसिड का असर कम हो जाता है. हम ये सारी चीजें आपको टेस्ट करके अभी दिखाएंगे कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी चीज एसिड का अपोजिट और या उल्टा है. एसिड के अपोजिट प्रॉपर्टी की चीज को हम कहते हैं बेस. तो इनको हिंदी में एसिड अम्ल और बेस क्षार. तो अम्ल या क्षार, ये दोनों चीजें हम टेस्ट करके भी आज देखेंगे. तो जैसे मैंने बताया कि एसिड जो हमारे पेट में बनता है और मुंह में आए तो लगता है ये खट्टा है. अधिकतर एसिड सभी खट्टे होते हैं. तो अब कौन सी खट्टी चीजें हम किचन में यूज करते हैं? सबसे पहले नींबू. तो चलिए सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं. टेस्ट करने के लिए हम यहां पर ये यूज कर रहे हैं, ये शायद आपके घर में नहीं होगा, ये है पीएच पेपर. और ये पीएच पेपर केमिस्ट्री लैब में होता है, लेकिन ये टेस्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर में भी कैसे टेस्ट कर सकते हैं. तो पहले हम इसको टेस्ट करके दिखाते हैं. इस पीएच पेपर में आप देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग कलर कोड बने हैं. तो अगर यहाँ लिखा है 2, 3, 4, तो 2 जिसकी वैल्यू है इसका मतलब ये रेड कलर का हो जाएगा और ये एसिड है. और अगर ये हमारा पेपर टर्न होके ग्रीन या ब्लू हो जाता है मतलब वो बेस है. तो ये हम दोनों चीजें टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसे हम इनसे टेस्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं इसमें से एक ये लेता हूं और इसके ऊपर मैं एक ड्रॉप लेमन नींबू का डालूंगा और देखते हैं इसका रंग क्या होता है. ओके, सो आई होप यू कैन सी. ये जो है हमारा पेपर था, टेस्ट पेपर, ये लाल रंग का हो गया है. इसका मतलब ये नींबू एसिड है. और क्या चीजें खट्टी होती हैं? जैसे कि आपके घर में किचन में
अधिकतर लोगों के यहाँ विनेगर या सिरका भी यूज होता है, वो भी काफी खट्टा होता है और वो भी एक एसिड है। तो चलिए हमारे पास सिरका भी है और हम उससे भी टेस्ट करके देखते हैं। तो हम सिरका लेंगे और इस पेपर को मैं दूसरे साइड से इसमें सिरके में डाल के देखता हूँ कि इसको क्या होता है। तो आप देखिए, इधर हमने लेमन लगाया था, ये भी लाल रंग का हो गया है, और इधर हमने सिरका या विनेगर लगाया था, ये भी लाल रंग का हो गया है। इसका मतलब विनेगर और लेमन दोनों खट्टे हैं और ये एसिड है, इसलिए ये हमारा टेस्ट पेपर लाल रंग का हो गया है। आपकी साइंस बुक में पीएच पेपर के बारे में बात नहीं होती, लिटमस पेपर के बारे में होता है कि लाल लिटमस पेपर पे हम बेस टेस्ट करते हैं तो वो नीला हो जाता है, नीले लिटमस पेपर पे एसिड लगाते हैं तो वो लाल हो जाता है। लेकिन ये जो पेपर हम यूज कर रहे हैं, ये पीएच पेपर है, ये एक ही पेपर दोनों चीजों की टेस्टिंग में यूज हो सकता है। एक और एसिड है जो कि कई बार कुछ लोगों के घर में होता है, जो कि होता है सिट्रिक एसिड। ये नॉर्मली क्रिस्टल फॉर्म में होता है, देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई नमक या चीनी के दाने हैं, और ये भी एसिड है, और ये यूज होता है घर में जैसे अचार वगैरह में डालने के लिए। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें ले रहा हूँ और इसको पानी डाल के, और देखेंगे कि इससे भी वही इफेक्ट आता है या नहीं। तो मैंने इसमें पानी डाल के थोड़ा सा घोला है और मैं इसको फिर एक उससे देखता हूँ। तो ये देखिए, ये थोड़ा ज्यादा लाल हो गया, इसका मतलब सिट्रिक एसिड थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है जो मेरे पास है। ये विनेगर या नींबू के रस से ज्यादा लाल हुआ है, इसका मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो अभी हमने कुछ एसिड चीजों की टेस्ट करी है अपने पीएच पेपर के ऊपर। अब हम आपको बताते हैं बेस कौन से होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो हम जेलोसिल यूज करते हैं घर में, ये क्या करती है, पेट में एसिड का असर रिवर्स करती है, उसको ऑपोजिट करती है। तो इसका मतलब ये भी बेस है, तो ये टेस्ट करके देखते हैं कि ये बेस है कि नहीं। तो मैं इसको थोड़ा सा एक बोल में लेके और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाता हूँ डाइल्यूट करके, और इसको हम टेस्ट करेंगे कि ये बेस है या नहीं। तो मैंने इसको जेलोसिल को कर लिया है। अब मैं एक और अपना टेस्टिंग पेपर पीएच पेपर लेता हूँ, और ये देखिए, ये पिंक मेडिसिन हम सब लोग घर में, आपने देखा होगा बच्चों ने, देख ये यूज करते हैं। और ये देखिए, ये मैंने पिंक लिक्विड पे अपना टेस्टिंग पेपर लगाया, तो नाउ यू कैन सी कि ये टेस्टिंग पेपर ग्रीन हो गया। इसका मतलब ये जो जेलुसिल है ये बेस है, और इसलिए ये एसिड के असर का अपोजिट है, तो एसिड को कम कर देती है पेट के अंदर। और क्या चीजें होती हैं हमारे घर में जो कि बेस है? बेकिंग सोडा, वो जरूर आपके घर में होता है। बेकिंग सोडा आपकी मम्मी किचन में यूज करती है, तो उसको भी हम देखते हैं। हमारे पास बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा भी टेस्ट करके देखते हैं। तो मैं इसमें एक कटोरी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा लूंगा और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाते हैं। एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जितने भी केमिकल्स हैं, इनका एसिड या बेस का असर तभी होता है अगर ये गीले हैं। अगर ये बिल्कुल सूखे होंगे, जैसे कि सिट्रिक एसिड आपने देखा वो चीनी के दाने जैसा था, या बेकिंग सोडा सूखा था, तो जब तक वो सूखा है उसमें आप कोई टेस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। तो अब ये इसमें मैंने बेकिंग सोडा मिक्स किया है और इसको मैं टच करके देखता हूँ। तो ये देखिए, बेकिंग सोडा से भी आपने देखा कि मेरा टेस्ट पेपर ग्रीन हो गया, तो बेकिंग सोडा भी बेस है। और आप कुछ टेस्ट कर सकते हैं जो आपको पता लगे कि वो बेस है। बेकिंग सोडा के बारे में पहले थोड़ा और बताता हूँ मैं आपको कि बेकिंग सोडा में सोडियम है। बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो सोडियम का जो भी सॉल्ट होते हैं नॉर्मली बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा, यस, सोडियम और पोटेशियम जो है साबुन बनाने में भी यूज होते हैं, तो साबुन भी, अधिकतर साबुन वो बेस होते हैं। तो इसमें अगर मैं ये सूखे साबुन पर ये लगाऊंगा स्ट्रिप, तो कुछ नहीं पता चलेगा मुझे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, साबुन के ऊपर एक ड्रॉप पानी डालूंगा और इसको थोड़ा सा गीला करके से कर लेते हैं। इसको क्लोज ले आओ
तो इसमें मैंने एक ड्रॉप पानी डाला है। अब देखिए साबुन तो पिंक कलर का है मेरा, लेकिन जब मैं इस पे अपना टेस्ट पेपर लगाऊंगा, पीएच टेस्ट पेपर, ये देखिए तो ये भी ग्रीन हो गया। इसका मतलब साबुन क्योंकि सोडा से बना है और उसमें बेकिंग सोडा नहीं होता, उसमें दूसरा केमिकल होता है जिसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। अलग अलग साबुन में अलग चीज़ें हो सकती हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसलिए साबुन भी सब बेस है। तो इस तरह से हमने टेस्ट किया कि हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, अब आपके घर पर शायद ये पीएच पेपर नहीं होगा, तो आप कैसे टेस्ट करेंगे? एक चीज़ आप खुद कर सकते हैं, वेजिटेबल मार्केट में आपने देखा होगा पर्पल कैबेज आती है, पर्पल कलर की कैबेज। अगर आपको कभी पर्पल कैबेज मिले तो एक पर्पल कैबेज खरीद के और उसको थोड़ा से 3-4 पत्ते उसके बॉईल करके उसका पानी निकाल लीजिए, और वो पर्पल कैबेज का जो पानी होगा वो लाइट पर्पल कलर का होगा, एंड दैट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एसिड एंड बेस। अभी मेरे पास नहीं है बिकॉज मैं भी जा नहीं पाया सब्जी लेने के लिए बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बट यू कैन डू इट एट योर होम एंड इट विल बिहेव एग्जैक्टली इन द सेम वे जैसे हमने ये किया है। तो उसमें अगर आप पर्पल कैबेज के बॉइल करने के बाद उसके जूस में, ठंडा करने के बाद अगर आप उसमें एसिड डालेंगे तो वो जूस लाल हो जाएगा, अगर उसमें आप बेस डालेंगे तो वो ग्रीन या ब्लू हो जाएगा। सो दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर टू चेक कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी चीज बेस है। एक और नेचुरल इंडिकेटर है जो कि उससे आप कुछ फन एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जो कि बताता है कि कौन सी चीज बेस है। आपकी बुक्स में कुछ दिया होगा चाइना रोज के बारे में, लेकिन एक और चीज है हल्दी। हल्दी इज अ नेचुरल इंडिकेटर जो ये बताती है कि कौन सी चीज बेस है। तो हल्दी एसिड को नहीं टेस्ट कर रही है, हल्दी केवल बेस को टेस्ट कर रही है। तो इससे हम एक बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो मैंने इसमें 1/4 चम्मच हल्दी लिया है इस कटोरी में, इसको मैं डिसॉल्व करता हूँ। हल्दी नॉर्मली प्लेन पानी में आसानी से डिसॉल्व नहीं होती, ठंडे पानी में, तो इसको डिसॉल्व करने के लिए मैं 2-3 ड्रॉप्स ये सैनिटाइजर डालूंगा बिकॉज इसमें अल्कोहल होता है, इसमें ये डिसॉल्व हो जाएगी और फिर उसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला देंगे इसको मिक्स करने के लिए। तो पहले मैं इसको अल्कोहल में थोड़ा सा डिसॉल्व कर लूं। थोड़ा सा पानी इसको डाइल्यूट करने के लिए, अब इससे हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं ये आपको दिखाता हूं मैं। तो यहां पर मैंने एक पेपर पहले से बनाकर रखा है, ये एक मजेदार एक्टिविटी है जो सब बच्चे घर पे कर सकते हैं। इस पेपर पर मैंने बेकिंग सोडा को पानी में डिसॉल्व करके उससे एक कुछ लिखा है, लेकिन क्योंकि बेकिंग सोडा और उसका मिक्सचर ट्रांसपेरेंट कलर का हो जाता है तो आप कुछ नहीं देख सकते कि इस पर क्या लिखा है, लेकिन क्योंकि हल्दी इंडिकेटर है और जहां भी बेकिंग सोडा जो कि बेस है अगर उसको मिलेगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हम देखते हैं ये क्या मैंने इस पर मैसेज लिखा है। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, ये हल्दी का जो मिक्सचर है इस पर मैं लगाता हूं और वो मैसेज अपने आप बाहर आ जाएगा। जो मैंने लिखा था इस कागज पर बेकिंग सोडा से, फिर उसके बाद में मैंने इस कागज को सुखा दिया, तो जहां पर मैंने लिखा था वो कैसे लिखा था वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। तो ये देखिए मैंने इस कागज पर लिखा था आई लव साइंस, और इसको लिखने का क्या तरीका है वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो जब मैंने लिखा तो बेकिंग सोडा का जो पानी में सोल्यूशन था वो कागज में एब्जॉर्ब हो गया और वहां पर बेस हो गया, और अब सूखने के बाद में मैंने जब इस पर ये हल्दी का सॉल्यूशन लगाया ब्रश से, तो जहां जहां बेस लगा था वहां हल्दी का कलर चेंज होके ब्राइट रेड हो जाता है, इसलिए ये मुझे पता लग गया कि ये बेस को टेस्ट कर पाती है। तो इस तरह से आप एक कोई अपने लिए अपने किसी फ्रेंड को सीक्रेट मैसेज भी भेज सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कागज पर ऐसा मैसेज लिखा वो किसी को नहीं दिखेगा, और जो दूसरा आपका फ्रेंड है अगर वो उस पर ऐसे हल्दी का पानी लगाए हल्दी डिजोल्व करके, तो वो मैसेज पढ़ने में आ सकता है।
इसको कैसे लिखते हैं ये मैं अभी आपको एक दूसरे कागज पे छोटा सा करके दिखा देता हूं। तो अब ये हमने यहां पर बेकिंग सोडा को पानी में डिजोल्व किया था आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले टेस्ट करने के लिए। एक्चुअली एक बोल में हमने सिट्रिक एसिड किया था और एक में बेकिंग सोडा। अब मैं भूल गया हूं कि किसमें कौन सा है, तो मैं इसको टेस्ट कर लेता हूं। हाँ ये देखिए ये वाला ग्रीन हो रहा है, इसका मतलब इसमें बेकिंग सोडा है और दूसरे वाले में सिट्रिक एसिड। तो अब ये मेरा सीक्रेट मैसेज लिखने के लिए मैंने इसमें जब ये बेकिंग सोडा डिजोल्व किया है इसमें ये छोटी सी बर्ड को डिप करके मैं यहां पर इससे कुछ भी लिख सकता हूं। तो आई एम राइटिंग ए बी, इस तरह से आप जो भी लिखेंगे। अभी ये थोड़ा सा गीला है इसलिए आपको दिख रहा है, लेकिन जब ये सूख जाएगा तो कुछ नहीं दिखेगा और उसके बाद में आप इस पर ये हल्दी का पानी लगाकर देख सकते हैं कि ये कलर चेंज हो रहा है, जिससे कि पता चल जाए। नहीं अभी नहीं होगा क्योंकि अभी ये गीला है तो इसमें सब मिक्स हो जा रहा है, तो अभी इसको रहने दीजिए। तो आपने देखा कि ये बिल्कुल ऐसे ही आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। तो ये हमने कुछ तरीके देखे जिससे कि हम ये देख सकते हैं कि एसिड और बेस को हम कैसे टेस्ट करते हैं। तो मैंने पीएच पेपर से करके दिखाया है, लेकिन आप जो है पर्पल कैबेज अगर जब कभी आपको मिले तो उसके जूस से टेस्ट कर सकते हैं, या फिर हल्दी से हम बेस को टेस्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया कि कौन सी चीजें घर में हैं जो एसिड या बेस होती हैं। नींबू, सिरका या सिट्रिक एसिड, ये चीजें एसिड हैं। साबुन, बेकिंग सोडा, जेलुसिल जो एंटासिड है, ये एंटासिड, देखिए इसका नाम क्या है, एंटी एसिड, तो ये एसिड का अपोजिट है इसलिए ये बेस है। तो ये सब चीजें हमने टेस्ट करके देखी। अब हम आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस करके दिखाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं अभी जवाब देना दे सकता हूँ। कोई अभी ऐसा क्वेश्चन जो अभी जवाब देना हो, या हम थोड़ा आगे चलें? ओके, तो अभी आगे चलते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछ सकते हैं और हम बाद में उसका जवाब भी देंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं कि एसिड और बेस का रिएक्शन क्या होता है। और इसकी सबसे आसान चीज है, मैं आपको एक चीज बताऊं जो आपके हमेशा आपके घर में होती है, वो होता है इनो। इनो एक्चुअली बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड दोनों होता है इसके अंदर। तो जैसे आपने अभी इसका रिएक्शन होता है, आपने देखा होगा कि जब हम इनो को पानी में डालते हैं तो उसमें बहुत सारे बुलबुले निकलते हैं। तो वो रिएक्शन क्या होता है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, और बेकिंग सोडा में, बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उसमें कार्बोनेट जो है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत सारी निकलती है। तो चलिए करके देखते हैं। तो मैं एक छोटी सी बॉटल लेता हूं और इसमें मैं पहले डालूंगा बेकिंग सोडा। चलिए पहले कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैं विनेगर डाल रहा हूं इसमें। सो आई एम पुटिंग विनेगर इन दिस। आप ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए बेकिंग सोडा तो आपको जरूर चाहिए, लेकिन एसिड के लिए आप विनेगर यूज कर सकते हैं या सिट्रिक एसिड अगर घर में है तो वो यूज कर सकते हैं। अगर दोनों नहीं है तो एक दो नींबू का रस निकाल के उससे करेंगे, उससे भी ऐसा ही केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। तो ये मैंने विनेगर लिया है। अगर विनेगर या सिट्रिक एसिड नहीं है तो आप लेमन जूस से भी ये टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा तो होना ही चाहिए, उसके बिना ये टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो अब मैं विनेगर में, विनेगर एसिड है और ये मेरे पास बेस है, ये डाल रहा हूं। इसको मैं एक कटोरी में रख देता हूं जिससे कि अगर ये बाहर निकले तो ज्यादा ना फैले, लेकिन ज्यादा नहीं फैलना चाहिए। ये देखिए, इसको कैमरा के आसपास में ले आओ। अब आप देखिए कितना ज्यादा रिएक्शन हो रहा है, बहुत सारे बबल्स निकल रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जब आप इनो को पानी में डालते हैं, क्योंकि इनो में बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड दोनों होते हैं और यहाँ हमने एसिड और बेस अलग से मिलाया है, तो ये रिएक्शन हुआ। और इस रिएक्शन में जो बबल्स बने हैं वो मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो ये अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितनी सारी गैस बन रही है। तो अभी मैं इसको यहां से हटा निकाल देता हूं और ये एक्टिविटी मैं दोबारा करूंगा इस बॉटल में। तो इसको चेक करने के लिए कि कितनी सारी गैस बन रही है, अभी हम इसको
निकाल देते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि कितनी सारी गैस बन रही है जो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, तो इसके लिए अब मैं फिर से इसमें विनेगर डाल रहा हूँ, और जैसे मैंने बताया कि आप विनेगर या सिट्रिक एसिड का घोल कोई भी यूज कर सकते हैं इसमें। इस बार मैंने थोड़ा ज्यादा डाला है, और बेकिंग सोडा, क्योंकि अब हम ये चाहते हैं कि जो गैस निकलेगी वो हमारे बलून में भर जाए, तो बलून में भर जाए, तो हमें ऐसे करना है कि गैस बिल्कुल बाहर लीक ना हो पाए, तो बलून के अंदर हमें बेकिंग सोडा डालना है। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ इसके अंदर धीरे धीरे इसके पास लाना, ये बलून के अंदर मैं बेकिंग सोडा भर रहा हूं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये गैस बिल्कुल भी लीक ना हो। तो करीब करीब एक चम्मच बेकिंग सोडा हम इस बलून में भर देंगे। हाँ ठीक है, काफी हो गया। तो ये अब यहां पर रिएक्शन देखिए, मेरे पास इस बॉटल में एसिड है और इस बलून में बेस है विच इज बेकिंग सोडा। अब मुझे इस बलून को बॉटल के ऊपर इस तरह लगाना है कि अभी बेकिंग सोडा बॉटल के अंदर ना जाए। ठीक है, तो मुझे ध्यान से लगाना है कि ये बॉटल सीधी रहे और मैं इसके ऊपर बलून लगा दूं, और मेरा बेकिंग सोडा अभी साइड में बलून के अंदर रखा है, अभी ये एसिड के पास नहीं गया है। अब मुझे इसका बलून का जो बॉटल के ऊपर चढ़ा हुआ है उसको कस के पकड़ना है, जिससे कि प्रेशर से ये बलून खुल ना जाए। और अब हम देखते हैं इस रिएक्शन से कितनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये तो आपने देखा कि एक चम्मच कार्बन बेकिंग सोडा जिसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसके अंदर कार्बोनिक आयन्स है, मतलब उसके अंदर जो केमिकल है उससे बेकिंग सोडा से गैस निकली थी। हमने लगभग एक चम्मच डाला था और उससे इतनी गैस निकली है कि ये पूरा बलून उससे फूल गया। तो ये बहुत मजेदार एक्टिविटी है, बच्चे इसको घर पे करके देख सकते हैं अपने आप, लेकिन इसको करते समय आई रिकमेंड दैट यू शुड हैव हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, सो दैट यू डोंट यू नो स्पॉइल एनीथिंग एंड बी सेफ। यू शुड वियर सम स्पेक्स और समथिंग, सो दैट अगर ये थोड़ा सा स्पिल हो जाए तो आपकी आंखों में ना आए। सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड डू दिस एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ सम एडल्ट एट होम, सो दैट यू कैन बी सेफ। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नाइस एक्टिविटी दैट यू कैन डू, राइट। एक चीज और मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। अब मैंने आपको बताया कि इस बलून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। okay? तो अगर मैं इस बलून को बंद कर दूं तो ये बलून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बंद हो गई है। अब आप ये बताओ कि अब ये बलून इसमें गैस भरी है तो ये बलून उड़ेगा या नहीं उड़ेगा अगर मैं इसको छोड़ दूं। वांट टू ट्राई, लेट्स सी दिस। नो, इट एक्चुअली फेल डाउन एंड यू विल सी दैट इट्स एक्चुअली हेवियर, इट्स फॉलिंग डाउन हेवियर देन नॉर्मल बलून दैट यू विल ब्लो फ्रॉम योर माउथ, क्योंकि इसमें प्योर कार्बन डाइऑक्साइड है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्चुअली हेवियर देन एयर। सो ये बलून इट विल नॉट फ्लाई अवे, इट विल ऑलवेज फॉल डाउन, बिकॉज थोड़ा सा बलून का भी वेट है, बट जो बलून हम अपने मुंह से फुलाते हैं उसमें हमारी जो हवा है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है जो हमारे लंग से आती है, लेकिन इसमें सारी कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसलिए ये ज्यादा हैवी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक और प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। सो ये रिएक्शन होता है, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड किसी ऐसी जगह पर छोड़ी जाए जहां आग लगी हुई है तो द फायर कैन नॉट कंटिन्यू, इट कैन नॉट बर्न विदाउट ऑक्सीजन। एंड इफ देर इज लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी कैन सप्लाई, काफी सारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वहां पर ऑक्सीजन हट जाएगी उस एरिया से और वहां पर फायर बंद हो जाएगी। तो दैट इज अ वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब एक एक्सपेरिमेंट और मैं आज करना चाहता हूँ। ये है, इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं लावा लैम्प। तो अब देखिए, ये लावा लैम्प बनाने के लिए मैंने एक चीज बना के रखी है,
और ये आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा कोई केमिकल नहीं है। नीचे हमने पहले थोड़ा सा पानी भरा है इसमें, इतना सा इस बॉटल के अंदर, और कोई भी उसमें कलर या इंक डाल सकते हैं। तो मैंने उसमें रेड कलर मिक्स कर दिया है, सो दिस इज वाटर। और ऊपर से हमने थोड़ा सा इतना कुकिंग ऑयल डाला है, सो दिस इज द सिंपल मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। बट यू विल सी दैट इट इज नॉट मिक्सिंग, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल एंड वाटर कि ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड डेंसिटी, डेंसिटी समझने के लिए। अब आप देखिए, ऑयल छूने में लगता है कि ज्यादा गाढ़ा है, बट लेकिन वो पानी से हल्का होता है, तो इसलिए वो ऊपर है और पानी नीचे है, लेकिन ये दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे मिक्स करूं, चम्मच से मिक्स करूं थोड़ा सा, तब भी ये मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। अब इसमें हम एक बहुत मजेदार छोटा सा खिलौना बनाएंगे जिसका नाम है लावा लैंप। तो उसको करने के लिए दो तरीके होते हैं। नॉर्मली जो हमारी साइंस किट है उसमें हम एक टैबलेट देते हैं, पेप्फिज या गैसोफास्ट, इन नाम कई नाम की टैबलेट आती है। वो एक्चुअली वही केमिकल है जो इनो में होता है, विच इज बेकिंग सोडा एंड सिट्रिक एसिड टुगेदर, बट इट्स इन द टैबलेट फॉर्म। तो उस टैबलेट का छोटा सा टुकड़ा अगर आप इसमें डालें तो वो नीचे जाएगा ऑयल के नीचे पानी में, और पानी में जाने के बाद में उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों के पास घर में वो टैबलेट नहीं होगी, इसलिए हम कोई और अरेंजमेंट कर रहे हैं, एक नया तरीका जिससे आप ये अपने घर पे कर सकते हैं। बट आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास इनो होगा घर पे, बिकॉज दैट इज मोर पॉपुलर। तो हम क्या करेंगे, हम इनो को एक एल्युमिनियम फॉइल में रैप कर रहे हैं। सो वी विल टेक हाफ अ स्पून इनो, इसको थोड़ा पास ले आओ। हम इन चीजों को हटा देते हैं जो नहीं चाहिए अभी, सो दैट यू कैन सी क्लियरली। तो मैंने ये एक हाफ स्पून थोड़ा सा और ले लेते हैं, इनो लिया है, और इसको मैं इस एल्युमिनियम फॉइल में बंद कर देता हूं, जिससे कि क्योंकि अगर हम इनो डायरेक्टली इस बॉटल में डालेंगे तो ये ऊपर ही फैल जाएगा और केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। हमें चाहिए कि ये इनो नीचे पानी तक डूब जाए, तो इसलिए हमने इसको एल्युमिनियम फॉइल के अंदर रैप कर दिया है। इसको हमें एक मिनट, इसको इस तरह से रैप करना है कि ये हम इसको अंदर डाल सकें। फट गया, ये थोड़ा एल्युमिनियम फॉइल फट गया है, मैं दोबारा करता हूं। तो ये मैंने ऐसे ये एक बना लिया। अब बिकॉज मुझे इसका बेकिंग सोडा का रिएक्शन कराना है पानी के साथ में, तो मुझे इसके नीचे डालना है, लेकिन एल्युमिनियम फॉइल भी बहुत लाइट है और ये भी बहुत लाइट है, तो ये नीचे तक नहीं जाएगा। इसके लिए मैं एक ट्रिक कर रहा हूं जो कि आप कर सकते हैं। तो एक लोहे की कील मैं इसमें टेप करके लगा दूंगा जिससे कि ये नीचे तक चला जाए। ये सारा ट्रिक मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है बच्चों के पास पेप्फिज या गैसोफास्ट टाइप की जो टैबलेट फॉर्म में होती है वो नहीं होती है, तो वो इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करेंगे। अब देखिए, अगर आपके पास वो टैबलेट फॉर्म में है तो वो यूज कर सकते हैं, और नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूं। तो ये देखिए, अब ये मैंने इसको हैवी कर दिया है कील बांध के, जिससे कि ये जो मेरा इनो का मिक्सचर है ये नीचे तक पहुंच जाएगा, लेकिन क्योंकि ये उसके अंदर बंद है तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐसे छेद कर देता हूं कि पानी जो है एल्युमिनियम फॉइल के अंदर जा सके
और केमिकल रिएक्शन हमारी शुरू हो जाए, तो मैं इसमें एक दो छेद कर रहा हूं। तो अब ये हमारा तैयार है। अब देखिए अगर मैं इसको इसमें डालता हूं तो क्या होता है, अब ये इसके अंदर इनो इसके अंदर जा रहा है और देखिए उसके अंदर रिएक्शन शुरू होनी चाहिए, और जब उसके अंदर रिएक्शन होगी मुझे लगता है थोड़ा पानी और डालें, क्योंकि एक मिनट कैन यू पुट सम वाटर, क्योंकि पानी थोड़ा कम है इस बॉटल में। हम पानी थोड़ा बढ़ा देंगे जिससे कि वो इनो का जो है वो पूरा उसके अंदर पानी के अंदर डूब जाए, और आप देखेंगे बिकॉज पानी ये वाटर हैवी है तो ऑयल से होता हुआ नीचे चला जाएगा और नीचे वाटर लेवल बढ़ रहा है। बस अब देखिए, अब आपको दिखेगा उसमें नीचे से बबल्स निकल रहे हैं। ये बबल्स क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि इनो जब पानी से के पास में आ रहा है तो उसकी रिएक्शन हो रही है और उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, और जब वो गैस निकलती है तो अपने साथ में थोड़ा कलर्ड पानी को ऊपर ले आती है, तो ऐसा लगता है कि लाल कलर के गैस बबल्स ऊपर जा रहे हैं। तो ये एक्टिविटी होती रहेगी जब तक कि उसमें केमिकल रिएक्शन इनो का असर खत्म नहीं हो जाता, और आप देखेंगे कि ये बबल्स निकलते रहेंगे इसमें से, और थोड़ी देर में ये एक्टिविटी होते होते जब धीरे धीरे बढ़ेगी और लाल बबल्स लाल पानी के ऊपर जाएंगे और फिर ऊपर जाकर बबल बर्स्ट हो जाता है और वो थोड़ा सा रेड वाटर जो है वो वापस आ जाता है। सो दिस एक्टिविटी विल कीप हैपनिंग, इट्स ए वेरी नाइस थिंग टू वॉच, एंड देन यू कैन कीप इट फॉर सम टाइम, इट विल कीप हैपनिंग। जब उसका बेकिंग सोडा सॉरी इनो का असर खत्म हो जाएगा तब ये एक्टिविटी रुक जाएगी। सो दीज आर अ फ्यू एक्टिविटीज दैट वी वॉन्टेड यू टू डू एट होम, एंड देन यू कैन सी यू नो हाउ दिस एक्टिविटी इज हैपनिंग हियर। सो यू कैन डू ऑल दीज एक्टिविटीज एट होम एंड देन टेल मी दैट यू एंजॉय दिस और नॉट, आई एम श्योर यू डू। So after doing these activities, I'm sure you are clear about things about acids and bases, how to test them, what is the chemical reaction, how do you do the chemical reaction, and how do you have fun with that chemical reaction by inflating the balloon automatically or making this little toy called lava lamp. Okay, so that is all for today's workshop that we have. If there are any questions in the comments, anything? No? Okay, so there are no questions. I just suggest that if all of you are enjoying this, then please inform your friends who are in other schools, your cousins, relatives in other cities, or whoever is there, and they can also join from tomorrow. And we will continue to do these workshops every day for this whole week, right? So thank you all. Let's join tomorrow again for I Love Science. I want to also give you one interesting thing to do. Your parents can send a small video where you know you are doing this activity, or maybe send just the video where the child is saying I love science. Okay, so I want to receive hundreds of those videos where the child says I love science. I will make a bigger video of that and then put it you know for everybody to watch. It will be very interesting. You can send that video on our email ID, which is ilovescience.in at gmail.com, or you can WhatsApp me that video. The number is there on the Facebook page itself. Okay, so that is all. Let's continue our science activities and enjoy science. Thank you. Bye-bye.